ध्यान देने योग्य जरूरी बातें, नानी दादी की इस्तेमाल करी हुई जो आपको हमेशा काम आएगी। नहीं बना पाते टेस्टी खाना, इन छोटी छोटी टिप्स से बढ़ाए खाने का स्वाद, घर वालों से पाए तारीफ। आप कितने ही अच्छे कुक क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारी पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है और पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। ऐसे में खाना बनाने और किचन के बेसिक हैंग्स पता होने बहुत ज़रूरी है। इससे आप कम समय में अपना काम कर सकते हैं। किन तरीक़ों से भोजन को स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, तो आज मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत काम आएंगे। नंबर एक, सबसे पहले तो कुकर का इस्तेमाल कम से कम करें। कुकर की भाप से भोजन बेस्वाद हो जाता है। यदि आप ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो कुकर में पकाने के बाद ढक्कन हटाकर थोड़ी देर के लिए आंच पर ज़रूर पकाएं। नंबर दो, तीन, नॉनस्टिक बर्तनों का मोह त्याग कर लोहे के बर्तनों का ढोसा टिकिया आदि बनाने में प्रयोग करें। ज़्यादा क्रिस्प बनेंगे और ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगेंगे। नंबर चार, गर्म मसाला, सांभर मसाला, काली मिर्च पाउडर आदि खरीदने की बजाय साबुत मसाले लाकर घर पर पीस कर प्रयोग करें। खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाएंगे। नंबर पाँच, अदरक लहसुन का पेस्ट खरीदने की बजाय ताज़ा अदरक लहसुन कूट कर डालें। अगर समय कम मिलता है तो लहसुन छील कर बंद डब्बों में हफ्ता भर के लिए स्टोर कर लें। नंबर छः, सब्जियां बनाते समय ज़्यादा पानी का प्रयोग ना करें। नंबर सात, खाना बनाते समय थोड़ा बहुत पानी गर्म करके रखें, जो दाल सब्जी में पकाते समय ज़रूरत पड़ने पर तुरंत डाल सकते हैं। नंबर आठ, रोटी नरम बनाने के लिए आटे को गूंथने के बाद 5-10 मिनट ढककर रखें और फिर थोड़ा सा तेल डालकर फिर से मल लें। नंबर नौ, अगर आप कोई भी ऐसी भी ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो सबसे पहले प्याज को तेल में फ्राई करके पीस लें। ऐसा करने से आपके खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा। नंबर दस, पराठा बनाते समय अगर आप अपने पराठों में उबले आलू को कद्दूकस कर डाल दें तो इससे आपके पराठे का टेस्ट बढ़ जाएगा। नंबर ग्यारह, पालक की सब्ज़ी बनाते वक्त अगर आप उसमें एक चुटकी भर चीनी डालते हैं तो पालक की सब्ज़ी का रंग जो है हरा बना रहेगा। नंबर 12, चावल पकाते समय पानी के साथ नींबू का रस मिला दें, इससे चावल अधिक खिले हुए और सफ़ेद बनेंगे। नंबर 13, अगर खाने में गलती से नमक ज़्यादा हो जाए तो उसमें गुथे हुए आटे की गोलियां बनाकर डाल दें, फिर उसमें 10 मिनट तक पका लें, इससे करने से नमक कम हो जाएगा। नंबर 14, भिंडी को स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा भुना हुआ बेसन मिला लें। भिंडी इतनी टेस्टी बनेगी कि आप उंगलियाँ चाटने लग जाएंगे। नंबर 15, पकौड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें ब्रेड क्रम्स या चावल का आटा डाल दें। नंबर 16, आप मीठे में चीनी की जगह गुड़ और शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 17, पिसे हुए मसाले को हमेशा धीमी आंच पर पकाएं, इससे रंग और टेस्ट अच्छा आता है। नंबर 18, ग्रेवी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाएं। नंबर 19, जब टमाटर का सीजन ना हो तो ग्रेवी में टमाटो केचप या सॉस का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 20, खीर बनाने के लिए हमेशा भारी बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि दूध जले नहीं। नंबर 21, अगर मसाले में दही डालना हो तो पहले उसे अच्छी तरह फेंट लें और धीरे धीरे मसाले में डालें। नंबर 22, सब्जियां काटने के लिए हमेशा लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें। नंबर 23, मार्बल स्लेब पर सब्जियां काटने से चाकू की धार कम हो जाती है। नंबर 25, सब्जियों का जितना हो सके उतना पतला छिलका निकालने की कोशिश करें।
नंबर 26, घर में तैयार अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को ज़्यादा समय तक रखने के लिए उसमें 1 टीस्पून गरम तेल और नमक मिलाएं। नंबर 27, खाना बार बार गर्म ना करें, इससे उसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नंबर 28, ग्रेवी के लिए हमेशा पके हुए लाल टमाटर ही इस्तेमाल करें, इससे रंग अच्छा आता है। तो बस आज का वीडियो इतना ही, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।